नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। UPSI 2020 के इस सीरीज में आज हम लेकर आए हैं अपना पार्ट सेकंड। पहले पार्ट में हमने देखा है मैंडेटरी ट्रैफिक सिग्नल्स के बारे में, आज हम देखेंगे कॉशनरी सिग्नल्स के बारे में। कॉशनरी जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, कॉशन का मतलब होता है सावधान। तो ये साइन बोर्ड वहाँ पर लगाए जहाँ जाते हैं जहाँ पर हमें सावधान करने की ज़रूरत होती है ताकि कोई घटना या दुर्घटना न हो सके। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। जैसा कि कॉशनरी साइंस मैंने पहले बताया आपको हिंदी में, अंग्रेजी में एक बार इसको देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन क्या होता है। कॉशनरी साइंस आर यूज टू गिव ए वार्निंग टू द रोड पर्संस ऑफ द कमिंग हैजार्डस कंडीशंस ऑन द वे आर बिसाइड द रोडवे। हमारा इसका पहला सिग्नल है राइट हैंड कर्व। हम सड़क पर चलते हुए देखते हैं कि इस तरह के साइन बोर्ड बहुत ही आम है। एक लेफ्ट हैंड कर्व होता है, एक राइट हैंड कर्व। इनका बेसिक मकसद होता है ये बताना कि आप जिधर से जा रहे हैं वहाँ पे एक राइट हैंड कर्व है, इसका मतलब वहाँ से एक सड़क गई हुई है, कोई गली गया हुआ है, तो उस हिसाब से आप अपनी स्पीड को एडजस्ट कर लें और देख लें कि कहीं कोई और गाड़ी वगैरह तो नहीं आ रही है, कोई पैदल यात्री तो नहीं आ रहा है। इसी तरह इसमें होता है लेफ्ट हैंड कर्व, इसका भी बेसिक पर्पज वही होता है, वहाँ पर राइट की तरफ देखना होता है, यहाँ पर लेफ्ट की तरफ कोई सड़क गई होती है तो ध्यान से चलना होता है। हमारा दूसरा तीसरा है इसमें स्टीप एसेंट। एसेंट का मतलब होता है चढ़ना, स्टीप का मतलब होता है तेज। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि तीव्र चढ़ाई, ये बेसिकली उन एरियाज में होते हैं जहाँ पे हिल्स वगैरह पाए जाते हैं। वहाँ पे आम चलते चलते कभी अचानक ऐसा होता है कि अचानक पहाड़ी होती है तो उससे कुछ 500 मीटर 400 मीटर पहले ये साइन बोर्ड बना होता है जिससे ये पता चल जाता है ड्राइवर को कि आगे तीव्र चढ़ाई है, तो उस हिसाब से अपनी स्पीड को एडजस्ट कर लेते हैं। इसका जस्ट अपोजिट होता है स्टीप डिसेंट। स्टीप का मतलब तीव्र, डिसेंट मतलब ढलान, जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है। ये वहाँ पे आपका यूज होता है, ये भी हिली रोड में यूज होता है जहाँ पे डाउनवर्ड स्लोप होता है ताकि अपने आप स्पीड को कंट्रोल कर सकें। नैरो रोड अहेड, इस सिग्नल का मेन मकसद ये होता है कि आप किसी 2 लेन के हाईवे पे चल रहे हैं, आगे कोई सक्रिय पुलिया है सिंगल लेन की तो वहाँ पे इस तरह का साइन बना होगा, या फिर कोई कंस्ट्रक्शन या अंडर पास ब्रिज बन रहा है, ओवर हेड ब्रिज बन रहा है, तो वहाँ पे भी इस तरह का आपको सिग्नल देखने को मिलेगा जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि आगे कुछ नैरो चीज़ें, सक्रिय जगह है, वहाँ से हमें कैसे जाना है। फिर इसी में आगे आता है रोड वाइडेंस अहेड। जैसे ही हमने पीछे वाले हमने देखा नैरो रोड का था, वहाँ पे साइन बना होता है कि सकरी पुलिया वगैरह है तो वहाँ पे पतली जगह, तो उस हिसाब से हमें चलना होता है। ठीक सकरी जगह के बाद ये रोड वाइडेंस अहेड का होता है कि पतली के बाद आके चौड़ी सड़क है तो हम उस हिसाब से अपने आप को कंट्रोल कर सकें। फिर हम आता है नैरो ब्रिज। दिस साइन बोर्ड इज इरेक्टेड बिफोर देयर इज ए नैरो ब्रिज अहेड। जैसा कि मैंने अभी भी बताया कि हम सड़क से चल रहे हैं, 4 लेन की हाईवे है या 2 लेन की हाईवे है, कोई बहुत ही सकरी पुलिया आ गई, वहाँ पे नैरो का मतलब ये भी था कि अंडर पास ब्रिज भी हो सकता है, कंस्ट्रक्शन है, कुछ भी हो सकता है कंस्ट्रक्शन से, लेकिन यहाँ पे इस साइन का बेसिक पर्पज ही यही है कि वहाँ पे सकरी पुलिया को ही इंडिकेट करेगा और किसी चीज़ को इंडिकेट नहीं करेगा। पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, ये हम आए दिन अपने डेली लाइफ में देखते हैं, मतलब पैदल चलने वालों को जगह देने के लिए इसे हम जेब्रा क्रॉसिंग भी कहते हैं। यहाँ पे ड्राइवर को स्टॉप होना पड़ता है, यहाँ पे पैदल चलने वाले यात्रियों को प्रेफरेंस देना होता है जिससे कि वो निर्बाध रूप से सड़क को पार कर सकें। ये सिग्नल भी हमें आए दिन देख दो चार होना पड़ता है इस सिग्नल से। ये स्कूल के पास लगाया जाता है, कोई प्राइमरी स्कूल आपने देखा होगा, कोई सीनियर से या कोई भी किसी भी तरह का स्कूल होता है तो वहाँ उससे 300 मीटर 200 मीटर पहले इस तरह का साइन बोर्ड लगा होता है। फिर आपका आता है मेन नेटवर्क। आए दिन आप सड़कों पर कंस्ट्रक्शन के काम होते रहते हैं या कोई सड़क बनती रहती है या गड्ढे भरे जाते हैं तो वहाँ पे आपको ये सिग्नल साइन बोर्ड दिख जाएगा, वहाँ पे लगा होगा आपका पीले रंग का बोर्ड टांग देंगे उस पर सिग्नल बना होगा कि यहाँ के काम चल रहा है, आप धीरे चलें। ये क्रॉस रोड, इसका मेन पर्पज ही है कि चौराहे को या दो रोड जहाँ पे मिल रही है एक दूसरे को क्रॉस कर रही है वहाँ पे साइन बना हो, उस हिसाब से आप ट्रैफिक के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पर। इसका मतलब है कि आप दिस साइन इज प्लेस्ड वेयर देयर इज गोइंग टू बी ए मेजर क्रॉस ओवर रोड अहेड। इसका मतलब है कि आप किसी भी सड़क से जा रहे हैं,
उसी सड़क के ऊपर से कोई ओवर हेड क्रॉसिंग है, कोई हाईवे वगैरह गया हुआ तो उसको इंडिकेट करने के लिए है। जैसे आप कभी कभी देखते हो कि नीचे से भी हाईवे है, ऊपर से भी हाईवे है, या ओवर ब्रिज वगैरह है, तो इस तरह का सिग्नल वहाँ पर बना होता है जिससे कि लोग सावधानी से चल सकें। ये UPSI 2016 के एग्ज़ाम में भी आया हुआ है। ये बेसिकली रोड आपके स्पीड ब्रेकर को इंडिकेट करता है। ये देखिए एक सिंपल सा प्लेन है, ऊपर दो उभार हैं, यहाँ पे तीन उभार हैं। इसका मतलब है कि स्पीड ब्रेकर है, आगे कुछ काम चल रहा है, तीव्र मोड़ वगैरह है, ढलान है, तो वहाँ पे बनाए जाते हैं जहाँ पे एक्सीडेंट प्रोन एरियाज होते हैं, ताकि आप अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकें। गार्डेड लेवल क्रॉसिंग, ये जो आपका बड़ा वाला ट्रायंगल में ये जो दिख रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे कोई गार्ड है और यहाँ पे लेवल क्रॉसिंग है, रेलवे क्रॉसिंग है। और ये जो आपको ऊपर में दिख रहा है, इसका मतलब ये अनमर्ल्ड रेलवे क्रॉसिंग है, जो ये इन्वर्टेड ट्रायंगल है और ऊपर से कुछ दिख रहा है, वैसे ये अनगार्डेड रेलवे क्रॉसिंग। इसका मतलब यहाँ पे कोई गेट नहीं है, आपको खुद से संभल कर ही जाना है। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हो सके तो सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।